चार लोग जीते हमारे, तो चार गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोग विधानसभा में, और हम लोग काम करेंगे। हम जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी तीन तीन हम लोग के मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्री रहे। अभी भी हम लोगों ने जब कमिटी जो हम लोग का जो बना था आयोग में लगभग 28-30 हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यक थे उनको हम लोगों ने मेंबर बनाया। और आगे तो आने वाले विधानसभा में हम सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों की उचित भागीदारी सुनिश्चित हम करने का काम करें। तो ये चिंता जो है ये हम पर छोड़ दीजिए, और ये भरोसा आप लोग कीजिए कि उचित भागीदारी आप लोगों को दिलाने का काम आने वाले विधानसभा में तेजस्वी करेगा। इसके लिए आप सब लोगों से यही कहेंगे, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, सब लोग जो है मेहनत करने की जरूरत है। अभी तरह तरह का लोग राजनीति में आना भी चाहिए, चलो ठीक है, अधिकार है लोकतंत्र में सब लोगों को आने का जाने का। अब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे ऐसे आइडिया लेकर के आया जा रहा है जहाँ खरीदने की कोशिश की जा रही है, पैसे पर अब राजनीति शुरू होने जा रहा है, फलना इतना दे दो, उतना दे दो, इतना ले लो, बिजनेस डील किया जाए, कोई विचारधारा को पता है बिना विचार के क्या राजनीति हो सकती है। बिना साफ नियत के विचार के क्या राजनीति की जा सकती है? हम तुमको बना देंगे, तुम बन जाओगे, इतना तो महादेव भी नहीं कहते थे। सावन चल रहा है तो वही बात है कि सबको बनाने वाली बात। अरे बनेगा तो 243 ही ना बनेगा, और चुनाव लड़ने वाला कितना लाखों में मिलेगा, कितना को बनाओगे? ये सब केवल भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। अब आप सोचो आपकी लड़ाई कितनी बड़ी ताकतों से है, बिहार सरकार, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार का कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट, पूंजीपति, बीजेपी मानसिकता वाली मीडिया लोग, अधिकारी लोग, सब लोग हैं, और आपके साथ कौन है? लोग बोलते हैं तेजस्वी लालू जी के साथ कौन है, तो आप ही ना असली ताकत है, आप लोग हैं ताकत। अगर आप लोगों का ताकत आशीर्वाद लालू जी को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, तो हम लोग खड़े रहें। ये केवल ताकत आप लोगों ने देने का काम किया।